हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कैरी की चटनी। इसे हम दो तरीके से बनाएंगे। एक तो हम बनाएंगे पुदीने के साथ और एक सिंपल कैरी के साथ। पुदीने की चटनी के साथ जो है कैरी का यूज़ हम करते हैं। तो ये इस चटनी को आप गर्मी में खाइए, आपको ये आपके पेट में भी ठंडक देगा और साथ ही साथ टेस्टी भी है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और दूसरा तरीका है कैरी, सिर्फ कैरी की चटनी का। तो चलिए हम देखते हैं इसके लिए क्या क्या यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक बाउल भरकर पुदीना लिया हुआ है। इसे मैंने अच्छे तरीके से साफ कर लिया है, धोकर रखा हुआ है। हम पुदीने का ज़्यादा यूज़ करेंगे, कैरी हम इसमें थोड़ा कम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर एक बाउल मैंने पुदीना लिया हुआ है और एक छोटी कैरी ली हुई है, उसे मैंने काट कर धोकर रख लिया है। इसके लिए हम थोड़ा सा पुदीना यूज करेंगे और हरी मिर्च का इस्तेमाल आप करना चाहें तो करें, अदरवाइज इसमें हरी मिर्च का हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पुदीना ठंडा होता है और मिर्च जो है वो गर्म करती है। इसलिए हम ठंडेपन के लिए सिर्फ जो है पुदीने का यूज करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम आधा से भी कम प्याज मैंने लिया हुआ है, प्याज का यूज़ करेंगे। शक्कर का यूज़ करेंगे, यदि आप शक्कर का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम जो है नमक का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक मिक्सी का जार लिया हुआ है, छोटा वाला। इसमें हम पहले जो है पुदीना डालेंगे। पुदीना के बाद इसमें हम कैरी डाल देते हैं, कोथमीर डाल देते हैं, प्याज। आप यदि ज्यादा मीठी चाहते हैं तो थोड़ा शक्कर ज्यादा डालिए। यहाँ पर मैंने तीन छोटे चम्मच शक्कर डाला है और एक चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने अपनी जो चटनी है उसे ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कितनी ग्रीन दिख रही है। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है पुदीने की चटनी। आप इसे घर पर बनाकर खाइए, गर्मियों में खाइए और इसे आप ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करिए। अब देखते हैं हम दूसरी कैरी की चटनी, उसे हम किस तरीके से बनाएंगे, उसके लिए हमें किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, कैरी की दूसरी चटनी के लिए ये इंग्रेडिएंट है जो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर मैंने एक बड़ी कैरी ली हुई है जिसे मैंने साफ करके काट कर रखा है। इसके लिए मैंने धनिया लिया हुआ, हरा धनिया लिया है एक कटोरी, और आप इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ली हुई है, 3 से 4 हरी मिर्च ली हुई है। यदि आपको और तीखा पसंद है तो आप तीखा भी यूज कर सकते हैं। और मैंने एक छोटा प्याज लिया हुआ है जिसे मैंने काट कर रखा है। थोड़ा सा 3 से 4 मेथी दाने यूज करेंगे हम। और यहाँ पर मैंने एक चम्मच से कम थोड़ा जीरा लिया हुआ, भुना हुआ जीरा। और यहाँ पर हम 2 लहसुन की कली का यूज करेंगे और आधा इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया हुआ। अब शक्कर ऑप्शनल है, यदि आप थोड़ा सा खट्टा मीठा चाहते हैं तो शक्कर डालिए, अदरवाइज शक्कर डालने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हम नमक का यूज करेंगे। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये एक जार में हम कैरी डाल देते हैं। इसमें हम हरा धनिया डाल देते हैं, 3 से 4 हरी मिर्च डाल देते हैं, प्याज डाल देते हैं, सब एक साथ हम मिक्स कर लेंगे, जीरे डाल देते हैं। हम मेथी दाना एकदम थोड़ा सा यूज करेंगे, ज्यादा नहीं। 2 लहसुन की कली, अदरक का टुकड़ा। अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। इसमें हम नमक भी डाल दें, 1 चम्मच नमक डाल दिया हमने। शक्कर आप चाहे तो यूज करें, नहीं तो नहीं। 1 से 1.5 चम्मच मैंने शक्कर डाल दी। अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स हमारी दूसरी चटनी भी रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी है, आप इसे दाल चावल के साथ खाइए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप दोनों चटनी को खाइए, बहुत ही अच्छा टेस्ट है और बहुत ही इजी भी है। ये हमारी पुदीने की चटनी है, ये हमारी कैबेज चटनी है। आप दोनों को यूज करिए और मुझे कमेंट करिए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियो। और ये आप इस रेसिपी को ट्राई करिए और आपका जो एक्सपीरियंस है इस रेसिपी के साथ वो मुझे शेयर करना मत भूलिए, मुझे कमेंट कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।